हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो एक्चुअली आज का जो वीडियो है तो ये एक रिव्यू वीडियो है। तो मैंने फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट मंगाया था और वो है एक स्क्रब है, ठीक है। तो मैं आज वैसे थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए हो मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। तो आज मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू बनाने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ। इम कैफ़े का प्रोडक्ट है। इम कैफ़े का बॉडी स्क्रब है। तो ये स्क्रब एक्चुअली ये बनता है रॉ कॉफ़ी एंड कोकोनट ऑयल से। तो ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है। बेसिकली मैं बताऊँ तो मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, मैं रिव्यू वीडियोस नहीं बनाती हूँ प्रोडक्ट पे, लेकिन सच बोल रही हूँ, मैंने जब से ये प्रोडक्ट यूज़ किया है मुझे दिल से मतलब इच्छा हो रही है इसके ऊपर ना मतलब कोई वीडियो बनाऊँ, सच बोल रही हूँ। बिकॉज ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, आपको क्या बोलूँ। और ये बहुत अच्छा काम करता है, मेरे ऊपर बहुत अच्छा काम किया है उसे, मैंने आज इसे यूज़ किया है। बहुत ही ग्लो आता है इससे एंड आपका जो भी डलनेस है, टैन है, एकदम रिमूव करता है, बहुत अच्छा है। और स्मेल तो बहुत अच्छा है। मैंने रिव्यू वीडियो नहीं बनाया, बस मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए मैंने काफ़ी यूज़ किया है एंड इसका स्मेल जब भी मतलब नाक में आता है मुझे कॉफ़ी पीने का दिल करता है, बहुत अच्छा है। और इसके साथ आपको मिलता है एक छोटा सा स्पून इम कैफ़े की ओर से, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो इसमें से उठा के। बहुत आसान है इसको, मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज़ करना है। फ्रेंड्स, बेसिकली स्क्रब हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज हमारे बॉडी में धूप में काम करते हुए, जिम में या फिर घर में ऐसे ही सालों से हमारे बॉडी पे बहुत सारे टैन आ जाते हैं, ठीक है ना। मतलब एक स्किन के ऊपर एक अलग सा लेयर आ जाता है जिसकी वजह से हम लोग अनकम फेयर लगने लगते हैं। और जितने हम लोग का कलर होता है जैसा, उससे हम लोग कम कलर उस कलर के हो जाते हैं, ठीक है। तो यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड फ्रेंड्स, मेरी हाल ही में डिलीवरी हुई है, मेरा बेबी हुआ है। बिफोर मैरिज मेरा रंग काफ़ी फेयर था, बहुत गोरी थी, लेकिन देन शादी हुआ एंड शादी के मतलब जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या हुआ ना, मतलब कुछ हार्मोनल चेंज के कारण मेरे मतलब मैं साबुन ठीक से लगा नहीं पाती। देन प्रॉब्लम ये है कि मैं मतलब हार्मोनल चेंज की वजह से फेस से लेकर मेरे बहुत जगह नेक पे हर जगह मेरे ब्लैक धब्बे टाइप आ गए थे। हार्मोनल चेंज की वजह से इन द प्रेगनेंसी होता है, तो हुआ जो भी हुआ मैं इसको लेके बहुत स्ट्रेस में रहती थी। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे ठीक हो जाएगा, डिलीवरी के बाद आपको पार्लर लेके चलूँगा एंड देन सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो सब कोई बोला, जैसे डिलीवरी हुआ वो टैन मेल टाइप में बदल गया। जो कलर था ना ब्लैक कलर का, वो कलर एक अजीब सा मतलब टैन टाइप हो गया। देन मैं उसको लेके परेशान रहने लगी, क्या करूँ। तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे तो उस पर मुझे इम कैफ़े के बारे में पता चला। मैंने जाके ये प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, सच बोल रहा है। मैंने इसको मंगवाया और मैंने इसका यूज़ किया मुझे। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी हम लोग फेशियल करने जाते हैं तो देखिएगा, फेशियल करते समय आप लोगों को स्क्रबिंग किया जाता है इन द फेस, नेक और बैक पे। जो बालू की तरह जो प्रोडक्ट लगाया जाता है और उससे मसाज देते हैं वो स्क्रब है। जैसे पहले भी लोग स्क्रब यूज़ करते थे, जैसे हल्दी को पीस के लगाना, ये भी एक तरह का स्क्रब है और ये भी है। इसमें खाली कॉफ़ी के दाने हैं बालू की तरह, उसको आपको अच्छे से आपको पूरे बॉडी पे मसाज कर सकते हो फेस छोड़ के, बिकॉज ये थोड़ा रॉ है, फेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए इसे, फेस के लिए अलग स्क्रब है। वो वाला भी मैंने परचेज़ किया है, वो वाला थोड़ा अलग है। मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले, आई कैंट टेल यू, रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप जाइए बाथरूम में, आप साबुन लगा के नहा लीजिए, देन आप सोप यूज़ करने के बाद स्क्रब लीजिएगा, शावर ले लीजिएगा एक बार, देन स्क्रब लीजिए। और शावर लेने के बाद स्क्रब थोड़ा सा स्पून में करके हाथ में लीजिए और जेंटली इसको पूरे बॉडी में मसाज कीजिए। 5 मिनट मसाज कीजिए, बहुत है, उसे मसाज करते रहिए। देन 5 मिनट बाद आप शावर ले लीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आपका स्किन थोड़ा सा भी मतलब इतना थोड़ा सा भी सख्त हो गया तो इतना फ्लफी बन जाएगा, आप यकीन नहीं करोगे, एकदम नरम सा हो जाएगा। मैंने जब फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया था देन मुझे लग रहा था क्या हो गया मेरे साथ, मतलब स्किन एकदम नरम सा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, आपको बता नहीं सकती। इसलिए मैं इसका रिव्यू वीडियो बना रही हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। देन आपकी क्या कीजिएगा, आप इसको मसाज कीजिए 5 मिनट, उसके बाद आप नॉर्मल शावर ले लीजिए और नहा लीजिए। नहाने के बाद फिर आप सोप नहीं लगाइएगा, नहा लीजिए, फिर आइए, कोई भी मॉइस्चराइज़र आप जो भी लगाते हो ठंडी में गर्मी में लगाइए वही वाला। और इसे आप ऑल सीज़न यूज़ कर सकते हो, हफ्ते में दो बार यूज़ कर सकते हो, ऑल सीज़न यूज़ कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात, इसे मेन एंड वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो मैं तो लगाऊँगी,
और शायद इस संडे को मैं अपने हस्बैंड को भी लगा दूँ ये वाला। मैंने उनसे कहा है आप लगाइए, उनके भी शरीर में बहुत ज़्यादा टैन आ गई है, तो मैं उनको भी लगाने वाली हूँ ये वाला, बहुत अच्छा है। एंड जितने भी मेरे मतलब करीबी रिश्तेदार है, मैंने सबको बोला है ये वाला लगाने के लिए, बिकॉज जो चीज़ मैं देख रही हूँ खुद यूज़ करके इतना अच्छा प्रोडक्ट है, तो मैं चाहती हूँ ये सब दूसरे भी यूज़ करें। तो बहुत ही अच्छा स्क्रब है और इसकी खुशबू तो ओह माय गॉड बहुत अच्छा है। तो गाइस तो ये है फेस स्क्रब, तो इसको आप खाली फेस पे यूज़ कीजिए। एंड सेम है ये भी ऐसा ही है, थोड़ा सा मतलब इसमें क्रीमी टाइप है, ये रॉ नहीं है, रॉ ये वाला है, ये वाला थोड़ा सा क्रीमी है, तो आप इसको फेस पे यूज़ करोगे। तो मैंने इसे आज भी फेस पे यूज़ किया है, तो मुझे सच में बोल रहा हूँ मेरा कलर पहले से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, कलर चेंज हो रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट। मैं इस प्रोडक्ट से बहुत खुश हूँ। थैंक यू फ्लिपकार्ट एंड थैंक यू एम कैफे। मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका दिखाती हूँ। सिंपली आप ले लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ, सिंपली आप इसे यूज़ कर सकते हो, तो आपको जितना ज़रूरत है आप उतना ही लीजिए। मैं थोड़ा सा ले लूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, देन इसको थोड़ा सा जैसे ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए एंड देन थोड़ा सा एकदम पानी दीजिए, इसे अच्छे से मसाज कीजिए अच्छे से, ठीक है ना? देखिए मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, तो फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से ऐसे ही अपने पूरे बदन पे आप इसे लगा सकते हो। एंड सच बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। हाँ एक और सजेशन तो जो मैं देना भूल गई, आप इसे लगाने के बाद मतलब आप इसे हफ्ते में दो बार लगाएंगे एंड इसे यूज़ करने के बाद आप ठंडे पानी से मत नहाइएगा, गर्म पानी से नहाइएगा, तो इफेक्ट बहुत अच्छे हैं। वैसे तो नहा सकते हैं लेकिन गर्म पानी से, हॉट वाटर से नहाते हैं स्क्रबिंग के बाद, आप लोगों को पता है ये फेशियल करने के बाद हॉट वाटर यूज़ किया जाता है फेशियल में, इससे इफेक्ट इससे जो मतलब जो इफेक्ट आता है ना बहुत अच्छा आता है, तो आप प्लीज़ इसे यूज़ कीजिएगा। देखिए आई डोंट थिंक आपको दिख रहा है, मुझे नहीं पता, तो बस ये ऐसे इसको करना है ऐसे एंड फिर इसे वॉश कर लीजिए, तो अभी इसे वॉश कर लीजिए और सूखे टावल, अभी मैं नहीं दिखा रही आप लोगों को लेकिन आप एक सूखे टावल से यूज़ कर लीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे बहुत अच्छा टेक्स्चर आया, देखिए कलर सच में इफेक्ट करता है। थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल लाइक माई वीडियोज़। तो अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच एंड देखूँगी अगर मुझे फिर से कोई ऐसा प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैं उसका रिव्यू वीडियो लेके आऊँगी। आई होप यू लाइक इट।